कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के लोग भावना भड़काने का प्रयास किया, संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद दंगा कैसे भड़का। भ्रष्ट अफसरों पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। एक खास हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े लोगों को, ताकि ये बदनाम कर सके कि बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। सासाराम में हुए सांप्रदायिक घटना में अब कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के साथ आईटी सेल के कई युवाओं पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा है और ऐसे में अब जब आरोप लगा है तो बिहार में भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म देखकर न्याय की बात करते हैं। सासाराम की घटना को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बम बारूद बनाने वाले लोगों को सरकार छोड़ रही है और प्रशासनिक अराजकता में लगातार वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग उसमें संलिप्त नहीं थे। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को। देखिए, ये दुखद दुर्भाग्य है। सत्ता में बैठा व्यक्ति पहले रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, उसका कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के लोग भावना भड़काने का प्रयास किया। जब वो सफल नहीं हुआ तो रामनवमी शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकलता है और आप देखे हैं कि शांति समिति की बैठक होती है थाने के अंदर, उसमें प्रशासन के वरिष्ठ लोग रहते हैं, संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद दंगा कैसे भड़का। भ्रष्ट अफसरों पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई और दुखद दुर्भाग्य है कि आज एक खास हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े लोगों को, ताकि ये बदनाम कर सकें कि बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो बम बनाया है और जिसको ये लोग पटाखा बना कहता है, सत्ता के शीर्ष प्रशासन में बैठे हुए एक पदाधिकारी खुल करके उस कम्युनिटी के लोगों को लोग कहते हैं कि संरक्षित करते हैं, जिसकी जांच हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने के लिए कहा है। कई ऐसे मदरसा का मामला आया, पीएफआई का मामला आया, ये नहीं कराकर एक तुष्टिकरण की राजनीति बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रही है और ये लोग तुष्टिकरण के साथ साथ जातीय उन्माद पैदा कर अपराधियों को जेल से बाहर निकाल के एक वातावरण दूषित कर रहा है। और आज पलायन जो कर रहे हैं हमारे लोग डर से, क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलेगा, उसके न्याय के लिए जो भी आवाज उठाएगा उसकी गिरफ्तारी की जा रही है या उसका नाम केस में दर्ज किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।